हम तो बंबई के लोग हैं, हमने देखा हमारे शहर पे कैसे हमला हुआ था। तो वो लोग नॉर्वे से तो नहीं आए थे, ना इजिप्ट से आए थे, वो लोग अभी भी आपके मुल्क में घूम रहे हैं। हमने तो नुसरत के बड़े बड़े फंक्शन किए, मेहदी हसन के बड़े बड़े फंक्शन किए, आपके मुल्क में तो लता मंगेशकर का कोई फंक्शन नहीं। कई बार पाकिस्तान आ चुके हैं और आप देख चुके हैं कि पाकिस्तान एक माशाल्लाह बड़ा फ्रेंडली, लविंग और पॉजिटिव मुल्क है, लेकिन हिंदुस्तान में जो हमारा तस्वीर है वो इतना अच्छा नहीं है। तो एक मैं ये समझती हूँ कि जब आप यहाँ आते हैं तो क्या आप जाकर बताते हैं कि वो तो बड़े अच्छे लोग हैं, क्योंकि वो तो जगह जगह बम नहीं मारते, हमें फूल भी पहनाते हैं, प्यार भी करते हैं, आप ही जाके बताते हैं उनको कि नहीं? क्योंकि हम ये चाहते हैं कि इस रीजन में अच्छे हालात हों, हम मोहब्बत करें, दोस्ती करें। आप तो जो कह रही हैं उसमें बहुत सच्चाई है, लेकिन ये बहुत दुख की बात है कि लाहौर और अमृतसर के सेंटर, जो शहर का सेंटर, उनमें 30 किलोमीटर का डिस्टेंस है, पता नहीं कितने लोग ये बात जानते हैं। उसके बावजूद इन दोनों शहरों में और पूरे मुल्कों में एक दूसरे के बारे में जो लाइलमी है वो हैरत अंगेज। आप ऐसा ना समझिए कि आप हिंदुस्तान के बारे में सब जानती हैं। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि आम हिंदुस्तानी आपके बारे में सब जानता है, आप में कैसे कैसे यहाँ लोग बैठे हैं उनके बारे में उसे पता, लेकिन आपको भी नहीं पता। और ये लाइलमी दोनों तरफ से है। मुझे याद है 5 बरस पहले जब मैं आया था तो इनके घर में बैठा हुआ था और वहाँ कुछ लोग बैठे पंजाबी में बात कर रहे थे, कोई हैरत की बात नहीं है, पंजाबी है। तो कोई लतीफ़ा हुआ जिस पर मैं भी हंसा, तो मेरे बराबर में खातून बैठी थी, उन्होंने पूछा कि आप पंजाबी समझते हैं? तो मैंने कहा जी हाँ समझ, बोल नहीं पाता हूँ, समझ लेता हूँ। तो कहने आपको कैसे आएगी आ गई? तो मैंने कहा हमारी फिल्म इंडस्ट्री में ज़्यादातर तो पंजाबी ही हैं। तो अरे तो और बहुत खुश हो गई खातून, कहने आपकी फिल्म इंडस्ट्री में पंजाबी है तो कौन लोग हैं? तो मैंने कहा अगर आप ये पूछें कि कौन नहीं है तो मुझे आसानी हो जाएगी बताने में। तो कह लिए नहीं फिर भी, तो मैंने 3-4 नाम लिए। तो कह लिए मगर वो तो हिंदू हैं। लाहौर में बैठी एक ग्रोन अप लड़की, पढ़ी लिखी लड़की को ये नहीं मालूम था कि कुछ पंजाबी हिंदू भी हैं। और यही लाइलमी उधर भी है। तो ये तो बहुत अफसोस की बात है कि इस तरह के जो कल्चरल एक्सचेंज होने चाहिए थे, स्टूडेंट एक्सचेंज होने चाहिए थे, वो नहीं है। जो कम्युनिकेशन होने चाहिए थे वो नहीं है। मेहदी हसन आए, नहायत पॉपुलर हुए थे वहाँ, आप सोच नहीं सकते किस तरह का फंक्शन उनका हुआ था। उसकी कमेंट्री शबाना ने दी थी, लिखी मैंने थी, और वो पूरा जिस तरह से हॉल ने उन्हें रिसीव किया, लता मंगेशकर, आशा भोसले, इस तरह की ग्रेट सिंगर्स, उन्होंने जो एहतराम दिया उन्हें। फैज साहब आए थे तो ऐसा लगता था किसी स्टेट का हेड आया हुआ है, आगे पीछे तो गाड़ियाँ चल रही होती थी, वो सायरन देती हुई, और जब आते थे तो गवर्नर हाउस में ठहरते थे। PTV पे तो कोई हिंदुस्तानी जा नहीं सकता था, कोई साहिल का, कभी कैफी का, कभी सरदार जाफरी का इंटरव्यू देखा आपने PTV पे? हम आपको दिखाएंगे, हमारे यहाँ हुआ नहीं है। कोशिश है कि लोग एक दूसरे को जान ना सके, ये माफ कीजिएगा दोनों तरफ से, और शायद थोड़ी सी आपके यहाँ ज्यादा है। हमने तो नुसरत के बड़े बड़े फंक्शन किए, मेहदी हसन के बड़े बड़े फंक्शन किए, आपके मुल्क में तो लता मंगेशकर का कोई फंक्शन नहीं। तो हकीकत ये है, चलिए अब हम एक दूसरे को इल्ज़ाम ना दें, उससे सॉल्व नहीं हो। ये अहम बात यह है कि ये जो आजकल इतना गर्म है फिजा, वो कम होनी चाहिए। हम तो बंबई के लोग हैं, हमने देखा हमारे शहर पे कैसे हमला हुआ था। तो वो लोग नॉर्वे से तो नहीं आए थे, ना इजिप्ट से आए थे,
वो लोग अभी भी आपके मुल्क में घूम रहे हैं, तो ये शिकायत अगर हिंदुस्तानी के दिल में हो तो आपको बुरा नहीं मानना चाहिए।